पीडीपी पार्टी और पीडीपी सरबरा महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। उनमें कटौती नहीं हो रही है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले पीडीपी के लीडर वहीद परा पर एफआईआर दर्ज हुई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, और वहीं अब महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की सरबरा हैं उन पर भी एक कंप्लेंट, एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को लेकर। जी हाँ, ये पूरा मामला क्या है, उन पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई है और इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ जवाब दिया है, ये आपको बताते हैं। 25 मई 2024 को महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पोलिंग स्टेशन के बाहर सड़क पर बैठकर अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ एक एहतजाज किया। वो एहतजाज उन्होंने सरकार के खिलाफ किया था। उन पर ये कंप्लेंट हुई है कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की और सीआरपीसी की दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है और इसी के चलते उन पर कंप्लेंट और एफआईआर रजिस्टर हुई है। जी हाँ, आपको बताएं तो 25 मई 2024 को बिजबिहाड़ा अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पोलिंग हो रही थी और वहीं पर बिजबिहाड़ा में महबूबा मुफ्ती अपने पार्टी के कारकुनानों के साथ सड़क पर बैठी और उन्होंने एहतजाज किया। दरअसल वो इस चीज का एहतजाज सरकार के खिलाफ कर रही थी। उनका ये कहना था, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि सरकार ने पीडीपी के वर्कर्स को या पीडीपी लीडर्स को जो है वो इलीगली डिटेन किया है, उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा है और उन्हें वो छोड़ नहीं रहे हैं। अभी जब पोलिंग हो रही है, अभी भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें उनके राइट टू वोट से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने ऐसा दावा किया है और यह कोई पहली बार नहीं है जो पीडीपी पार्टी की जानिब से यह दावा किया गया हो। ऐसा ही दावा उसी दिन पीडीपी सरबरा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से भी किया गया था। उन्होंने भी यही चीज कही कि उनकी पार्टी के लीडर्स, उनकी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। ये आप जानते हैं, महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी है। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के पीडीपी के, अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब हैं, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से, बहुत सारे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल। पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स को, एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, बच्ची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहाँ पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइए, हाउ डे यू स्लैंडर आर बॉयज़, आर पीडीपी वर्कर्स, दीज यंग बॉयज, दे आर द वंस हु हैव हेल्ड द इंडियन फ्लैग, दे हैव केप्ट द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी फ्लाइंग इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन पीपल फाइंड देमसेल्व्स सो डिस्पोंडेंट एंड द लेवल ऑफ एलियनेशन, द गैप हैज इंक्रीज बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विज़ावी द रेस्ट ऑफ इंडिया। How dare you term our boys as OGWs? आप मुझे बताइए, हमारे पास चारा क्या था? हमारे वर्कर्स को उठाया गया रात में, गुंडों की तरह जेके पुलिस गई, जिप्सी में भर भर के उनको बिस्तर से निकाला। आप मुझे बताइए, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, योर फंडामेंटल राइट टू वोट, आपका बेसिक राइट है जमहूरियत में, जब वो हमसे छीना गया, महबूबा जी ने कुछ शोर नहीं मचाया। आप उस प्रोटेस्ट में थे, कुछ गंदे नारे लगाए, एंटी नेशनल नारे लगाए, क्या बोला उनने कि मुझे बताइए इन लड़कों को आपने यहाँ क्यों रखा है, इनको रिहा करिए। और आपने खुद देखा वहाँ पुलिस कैसे उनके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ रही थी, दे वांट इवन लेटिंग हर टॉक। महबूबा जी का कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वो वहाँ सीन क्रिएट करें, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। शी वांटेड टू गो मीट आर वर्कर्स बिकॉज दीज यंग बॉयज, इनको रात के 10:30 ले गए। हमें डर लगा कि खुदा ना खास्ता इनके साथ कुछ अनटूवर्ड ना हो जाए। तो आप मुझे बताइए, जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को शी हैज़ टू हिट द स्ट्रीट्स, उनको ऐसे धरना करना पड़ता है, वॉट इज दैट से अबाउट डेमोक्रेसी? ये लोग तो कहते हैं हाँ नॉर्मल सी है, अचानक से आप कैसो कर रहे हैं, आर्मी को ले रहे हैं, वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, कैसो किया आपने दक्षिणीपुरा में, स्टोन पेल्टिंग कराई बच्ची में, लेकिन आप तो यहाँ कहते हैं सब चंगा सी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनने टैसिटली ये इलेक्शन रिग करना चाहा साउथ कश्मीर का, जानबूझ के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि वो महबूबा जी से डरते हैं, वो कायर हैं, वो बुजदिल हैं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ, बट स्टिल लोगों को हमने समझाया। जैसे आपने देखा 25 के दिन मैं बूथ टू बूथ गई और
थैंक गॉड द टर्न आउट वॉज स्टिल ओके, बट वी एक्सपेक्टेड अ बेटर टर्न आउट, एंड टर्न आउट इससे भी ज्यादा होता अगर इनने दहशत नहीं फैलाई होती। आपको बताते चले तो पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने के लिए वहीद परा पर एक ऐसी ही कंप्लेंट हुई, और अब महबूबा मुफ्ती पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर और सीआरपीसी की दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। सीआरपीसी की दफा 144 उस दिन ब्रिजबिहाड़ा में लगी हुई थी और उसमें 4 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने किया। वो अपनी पार्टी के कारकुनानों के साथ उस जगह पर बैठी, सड़क पर बैठी, और उन्होंने घंटों तक एहतजाज किया, जिसके चलते उन पर वहां के ब्रिजबिहाड़ा के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से एक कंप्लेंट की गई और फिर एफआईआर दर्ज हुई। ये कहा गया कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। महबूबा मुफ्ती पर जो धाराएं लगी हैं वो इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 147 और 188, 341 और 126 के तहत उन पर एफआईआर रजिस्टर हुई है। ये कहा गया है उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंतखाबात के वक्त लगता है और जो कि अभी लगा हुआ है और 4 जून तक वो लगा रहेगा, और उन्होंने ये कहा गया है कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की और ऐसा कुछ हुआ। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी के जो कारकुन हैं या उनकी पार्टी लीडर्स हैं या ऐसी ही जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं या सर्च और कॉर्डन ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी का एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे इलाकों में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि वो वोट ना दें, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी को सपोर्ट ना करें, उन्हें राइट टू वोट से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन उनके पार्टी के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन में रखा गया है उन्हें पोलिंग तक भी नहीं छोड़ा जा रहा। महबूबा मुफ्ती पर जब ये एफआईआर लॉन्च हुई है उसके बाद अपने जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी सच बोलने का हर्जाना भर रही है या सच बोलने की कीमत चुका रही है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा सच का साथ दिया है और हम ये सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, हम सरकार से ये कह रहे थे कि उन्होंने हमारे पार्टी के वर्कर्स को जेलों में रखा है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस चीज़ में डीजी एलजी से लेकर तमाम अहदेदार शामिल हैं, वो जानबूझकर पीडीपी को निशाना बना रहे हैं और पीडीपी के वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं। इससे पहले भी 13 मई 2024 को भी आपको पता होगा महबूबा मुफ्ती की जानिब से यही दावा किया गया था कि उनकी पार्टी लीडर्स को, पार्टी वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, इलीगली डिटेन किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ उन्होंने इस बार भी कहा कि उनके पार्टी वर्कर्स को या उनके पार्टी के सपोर्टर्स को या ऐसे इलाकों में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं जहां पर उनकी पार्टी के बहुत ज्यादा हिमायती हैं, उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि वो पीडीपी को वोट ना दें या वोट ही ना दें। ऐसा ही कहा गया है। महबूबा मुफ्ती इसी चीज को लेकर एहतजाज कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका कहना है कि जहां पर सरकार से ये सवाल करना चाहिए था कि वो आखिरकार क्यों पीडीपी के वर्कर्स को डिटेन कर रहे हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में रख रहे हैं या उन्हें वोट नहीं देने दे रहे, उल्टा ये पीडीपी पर ही ये चीज आ गई, उन पर ही महबूबा मुफ्ती पर ही ये चीज, ये सवाल आ गया, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई कि आखिर वो वहां पर एहतजाज क्यों कर रही थी। जबकि जो एफआईआर है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने सीआरपीसी की दफा 144 जो वहां ब्रिजबिहाड़ा में उस वक्त नाफज थी उसकी खिलाफ वर्जी की है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके चलते उन पर ब्रिजबिहाड़ा के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कंप्लेंट की गई और फिर एफआईआर दर्ज हुई, और इसी के चलते उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया कि जिनकी गलती है उन पर बात नहीं हो रही, उल्टा हम पर बात की जा रही है, ये पीडीपी सच बोलने का हर्जाना भुगत रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।